एवरी स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट्स साइंस है, चैप्टर 3 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ये चैप्टर आपका एक्सप्लेन हो गया। आज मैं इसके आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपको करने हैं। एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। सम आंसर है इसका, सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो डू नॉट ऑकर इन द नेचर। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द करेक्ट आंसर। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज ए है इट हैज अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, नंबर बी इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम वुड पल्प, नंबर सी है इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वूवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, नंबर बी इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम वुड पल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट वर्ड्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक और ब्लैंक फाइबर्स। तो आंसर इसमें दो ब्लैंक दी है, मेन एक में मेन मेड आएगा और दूसरे में आर्टिफिशियल। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स। नेक्स्ट नंबर 2 है, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसिस फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो बैंक में क्या आएगा, पेट्रोकेमिकल्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसिस फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। आंसर आया पेट्रोकेमिकल्स। नंबर 3, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ ब्लैंक है, तो उसमें आंसर आएगा पॉलीमर। तो लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर, ब्लैंक में लिखना है पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एग्जांपल व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रांग। नंबर 1 है, नायलॉन फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉकिंग क्लाइंबिंग, दीज आर वेरी स्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर फॉर स्टोरिंग फूड। आंसर है, प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवरेट फॉर स्ट्रॉन्ग फूड बिकॉज प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद फूड, दे आर नॉट गेट कोरेटेड इजीली, दे आर स्ट्रॉन्ग लाइट एंड ड्यूरेबल। नंबर 4 है, दे आर चीपर एज कंपेयर टू मेटल कंटेनर्स एंड इजी टू यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के प्लास्टिक के जो पॉइंट है वो मैं आपको करवाती हूँ, आपको करने हैं, ठीक है। नंबर 1 है थर्मोप्लास्टिक का, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक हैव लीनियर अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। और थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक का 1 पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक हैव क्रॉस लिंक अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। नंबर 2 पॉइंट है थर्मोप्लास्टिक का, दिस आर द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग। थर्मोसेटिंग का दूसरा 2 नंबर का पॉइंट है, दिस आर द प्लास्टिक विच वैन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टनेड बाय हीटिंग। 3 नंबर का पॉइंट है, इट्स शेप कैन बी चेंज। अभी थर्मोसेटिंग का प्लांट्स प्लास्टिक का जो 3 नंबर का पॉइंट है, पॉलीथीन्स एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल कौन से हैं, पॉलीथीन्स एंड पीवीसी किसके हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है, नंबर 4 पॉइंट है। और थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक का 4 पॉइंट क्या है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग। ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डज नॉट डिफॉर्म ऑन हीटिंग, डू नॉट गेट हीटेड अप व्हाइल कुकिंग। इलेक्ट्रिक प्लग्स
प्लग कोर्ड्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड हैंस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक इट इज रेसिस्ट फायर. नेक्स्ट नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है कैटेगरीज द मटेरियल्स ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल एंड कैन नॉट बी रिसाइकल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स प्लास्टिक टॉयज कुकर हैंडल्स कैरी बैग्स बॉल पेन पेंस प्लास्टिक बाउल्स प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स प्लास्टिक चेयर्स इलेक्ट्रिक स्विचेस. ये आंसर आएगा. अभी देखो इसमें आंसर आपको कैन बी रिसाइकल तो क्या आएगा प्लास्टिक टॉयज कैरी बैग्स बॉल पॉइंट पेंस प्लास्टिक बाउल्स प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स प्लास्टिक चेयर्स. ये क्या है कैन बी रिसाइकल है एंड कैन नॉट बी रिसाइकल तो टेलीफोन आएगा इंस्ट्रूमेंट्स कुकर हैंडल्स इलेक्ट्रिक स्विचेस. नंबर 9 है राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर शुड बी बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल एडवाइस राना गिविंग योर रीजन कॉटन कैन एब्जॉर्ब वाटर बाय सिंथेटिक मटेरियल कैन एब्जॉर्ब वाटर कॉटन हैज पोर्स दैट जेट द एयर इन एंड आउट ऑन द अदर हैंड सिंथेटिक मटेरियल्स आर वेरी टाइटली वोवन एंड हैंस They do not allow air to pass in and out. Cotton clothes soak, sweat and give a dry feeling. While synthetic materials have little water absorbing property. So Rana should buy cotton shirts for summer. Give example to show that plastic are non-corrosive in nature. Answer है प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर. नंबर 1 है प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर एंड हैंस दे डू नॉट कोरोड. नंबर 2 प्लास्टिक डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन द ओपन फॉर लॉन्ग. नंबर 3 है दे डू नॉट रिएक्ट विद केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस एग्जाम्पल है पॉलीथीन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है शूट द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ अ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल एक्सप्लेन योर आंसर. आंसर है नो हैंडल एंड टूथब्रश ब्रिस्टल्स शुड नॉट बी मेड ऑफ सेम मटेरियल. रीजन हैंडल नीड्स टू बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सो इट इज मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. टूथब्रश ब्रिस्टल्स नीड्स टू बी सॉफ्ट एंड डिलिकेट सो इट इज मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन है अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल कॉमेंट ऑन दिस एडवाइस. आंसर है प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज. इट कॉजेज एनवायरमेंट पॉल्यूशन बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो इन द प्रोसेस इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फर्म्स इन टू द एटमोस्फियर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन देयर फॉर यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13 Make the terms of column A correctly with the phrases given in column B. Column A, एक के पॉइंट है नंबर 1 पॉलिस्टर नंबर 2 टेफ्लॉन एंड नंबर 3 रेयन एंड नंबर 4 नाइलॉन. कॉलम बी के ए में है प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल. नंबर बी है यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स. नंबर 3 है यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स. नंबर डी फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजीली. अभी इसमें नंबर 1 का आंसर आएगा पॉलिस्टर का आंसर आएगा डी फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजीली. नंबर 2 है टेफ्लॉन टेफ्लॉन का आंसर आएगा सी यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स. नंबर 3 है रेयन रेयन का आंसर आएगा ए प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल. नंबर 4 है नाइलॉन नाइलॉन का आंसर आएगा बी यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स. ये आपका क्या हो गया मैच द फॉलोइंग भी हो गया. अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन लेफ्ट है वो करवाऊंगी.
अभी जो ये मैंने करवाया है आपको क्लास वर्क की बुक में और होमवर्क में लिखना है और लर्न करना है। Thank you.